शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है क्या? जानने के लिए देखें एंड तक ये वीडियो। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझने में एंड उसकी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनीज की सेल 10-20%, ROCE 15% और प्रमोटर्स होल्डिंग 33% से ज्यादा इंक्रीज होती है, तब हम बोल सकते हैं कि कंपनीज की फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। एक ट्रेडर ये देखकर शुरू कर सकते हैं कि स्टॉक्स चार्ट पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर स्टॉक्स बुलिशली परफॉर्म कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, देन ट्रेडर स्टॉक्स के आर्ली चार्ट को देखते हुए राइट टाइम पे स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। वे फंडामेंटल एनालिसिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल एनालिसिस इज फॉर ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल न्यूज समवेयर बट रिफ्लेक्टेड स्लोली, एंड टेक्निकल एनालिसिस रिफ्लेक्ट्स इट इमीडिएटली। फंडामेंटल एनालिसिस रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न्स ऑन इक्विटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करती है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस प्राइस डेटा एंड चार्ट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करती है। सो इफ यू आर न्यू टू द स्टॉक मार्केट, ट्रेडिफाइड कैन हेल्प यू इन लर्निंग हाउ टू डू सच एनालिसिस। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।